नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइडर पटेल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए दोस्तों, टम टम नमकीन बनाने की बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आने वाली हर नमकीन के बारे में बताया है। इसमें लगभग 22 आइटम ऐड होती हैं, सबको मैंने बताया है, वजन के साथ बताया है। तो टम टम की इस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी है दोस्तों, 10 से 12 मिनट की है, लेकिन पूरा देखना है। पूरी जानकारी को समझने के लिए थोड़ा समय आप हमें देना पड़ेगा। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 10 अलग अलग प्रकार की कटोर आइटम जो होती है टमटम नमकीन के अंदर, एक एक करके बता देता हूँ। लाल चवली, काढ़ा उड़द, हरा बटाने, चने दाल, काबुली चने, आखा मसूर, हरे मूंग, लाल चने और मटकी और सफेद चवली बड़ी वाली। तो ये 10 प्रकार की अलग अलग कटोर आइटम है जो टमटम में यूज होती हैं। अब हम ये जितनी भी सामग्री लिए दोस्तों, सभी को मैंने यहाँ पर सैंपल के तौर पे आपको बताया है। अब हम ये सभी आइटम को क्वांटिटी में लेंगे, और कितना कितना लेंगे एक एक करके सबका मेजरमेंट भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इन सभी को हमें एक साथ में भिगोना है पानी में, और कौन कौन सी कटोर को एक साथ में भिगोना है और किसको अलग भिगोना है हम आपको अभी बताएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले चना दाल ऐड करेंगे, और ये है मसूर, ये है दोस्तों लाल चवली, काला उड़द, मूंग और मटकी। तो ये आइटम हमने यहाँ पर 6 आइटम को जो है एक ही बर्तन में भिगो दिया है, क्योंकि ये एक ही जैसी साइज की हैं और इनको फ्राई होने में उतना ही समय लगता है। इसके लिए हमने सबको एक ही बर्तन में भिगो दिया है। अब हम इसके अंदर ये वाला जो बर्तन लिया है, इसके अंदर हम बाकी की 4 आइटम भिगोएंगे। काबुली चना, ये जो है बड़ी आइटम है दोस्तों, इनको थोड़ा फ्राई होने में टाइम लगता है। और ये है लाल चना और सफेद चवली, और ये जो ग्रीन मटर है दोस्तों, ये हमने रेडीमेड फ्राई किया हुआ ही लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर कच्चा माल इसका मिला नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये फ्राई किया हुआ लिया है। और ये जितने भी आइटम मैंने लिए हैं, ये सभी 200 ग्राम के हिसाब से लिए, सभी का जो वजन है 200 ग्राम है, तो मैंने सभी का वजन करके लिया है और एक ही माप में लिया है। अब हम दोस्तों इनके अंदर दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा बेकिंग पाउडर डालेंगे, और इनको भिगोने के लिए हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अब दोस्तों, बड़ा वाला बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। इनको हमें पूरा डुबोना है, अच्छी तरह से डूब जाए उतना पानी लेना है हमें, क्योंकि ये जो है दाना अच्छी तरह से फूल कर एकदम ऊपर आ जाएगा, तो पानी हमें इसमें ज़्यादा चाहिए। ये जो है दोस्तों, अब इसके अंदर हमें हाथ नहीं डालना है बिल्कुल भी। अगर हाथ डालेंगे ना तो इसमें बहुत सारे दाने कड़क ही रहेंगे। ये एक बहुत ही पुरानी कहावत भी है और हकीकत भी है, इसलिए हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये अपने आप भीग जाएंगे। ओवरनाइट के लिए हम इसको भिगो के रख देते हैं। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर हमने ओवरनाइट सभी कटोर आइटम को जो है भिगा के रख दिया था, और अभी इनको हमने साफ धोकर ले लिया है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो है भून फूल कर तैयार हो गए, अच्छे से भीग गए दोस्तों, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। और अगर नॉर्मली इसको टाइम बताऊँ तो 7 से 8 घंटे तक इनको भिगोने के लिए हमें रख देना है। इसी तरह यहाँ पर हमने दूसरी जो जैसे इसमें चने हैं, काबुली चने और सफ़ेद चवली को भी भिगोया था, वो भी अच्छी तरह से भीग गई और काफ़ी अच्छी तरह से फूल भी गई, ये देखिए। तो अभी हम इनको करते हैं दोस्तों फ्राई। तो दोस्तों, अभी तेल यहाँ पर गर्म है, तेल के अंदर हमें पहले जारा रखना है। और एक चीज़ दोस्तों, कि हमें जो ये कटोर है इनको फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, एकदम फास्ट तेल होना चाहिए,
और यहाँ पर हमने एक भगोना भरकर डाल दिया है। तो एकदम फास्ट गर्म तेल में इसे हमें फ्राई करना है और इसके हमें जारे से चलाते रहना है। और जैसे ही ये इनको अभी फ्राई होने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि इनको फ्राई होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इनको हमने ओवरनाइट भिगोया था तो इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा रहती है। तो जब ये तेल के ऊपर तैरने लगेंगे तो समझ जाइए कि ये फ्राई हमारे हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है हमारा कठोर है सब फ्राई हो गया और अभी तेल के ऊपर अच्छे से तैर रहा है। इसको निकालते हैं हम बाहर तेल से। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसको ले लेते हैं हम जालीदार बर्तन में ताकि इसके अंदर का एक्स्ट्रा ऑयल पूरा निकल जाएगा। और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए पूरे कठोर को जो तरीका बताया है ऐसे ही इसको फ्राई करके हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ये वाले जो है काबुली चना, मूंग और बड़ी वाली छोली, इसको भी फ्राई करके ले लेते हैं। तो इसके लिए भी तेल का टेम्परेचर हमें एकदम हाई रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है कठोर आइटम को सभी को फ्राई करके ले लिया, अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए इसमें चना है, काबुली चना, चौली, दाल मोट, चने की दाल, मोट चौली, लाल चौली, काला उड़द, बहुत सारे अलग अलग 10 प्रकार के कठोर आइटम इसमें सबने हमें फ्राई करके ले लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं बहुत सारी नमकीन है, सभी को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने लिए मूंगफली यानी कि सिंगदाने, मसाला वाले सिंगदाने हैं, ये मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों 200 ग्राम। मीठी बूंदी यहाँ पर लिए मैंने 1/2 किलो। यहाँ पर मैंने लिए मिक्स नमकीन, इस नमकीन के अंदर भावनगरी सेव है, इसमें पोटैटो स्टिक है, इसमें मेथी पापड़ी है, मेथी गांठिया है, बूंदी है, फली है, इसमें लगभग 8 प्रकार के अलग अलग नमकीन्स है। साथ ही में यहाँ पर लिया मैंने दोस्तों कोल्हापुरी चिवड़ा, दगड़ी पोहा, यहाँ पर लिया मैंने मकई पोहा, ये लिए मैंने दोस्तों तीखा मुरमुरा, ये यहाँ पर हरा मटर, कड़ी पत्ते, ये नींबू सेव, बेसन पापड़ी, आलू सेव, मसाला बूंदी, और ये यहाँ पर लिया दोस्तों हमने बेसन सेव, 0 नंबर बेसन सेव। अब आते हैं मसाले, ये है दोस्तों मिक्स मसाला, ये है चिवड़ा मसाला, ये है आमचूर पाउडर, काला नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक। इन मसालों को पहले हम मिक्स कर लेते हैं, एक मिक्स मसाला तैयार करना है। सबसे पहले हम इसमें 10 प्रकार के अलग अलग कठोर ऐड करते हैं। तो इसके अंदर बूंदी, अब ये है दोस्तों मसाला फली, अब आएगी इसके अंदर मिक्स नमकीन, अब आएगी इसके अंदर दोस्तों लेमन सेव, नींबू वाली सेव, अब आएगी इसमें आलू सेव, अब इसमें आएगा दोस्तों कोल्हापुरी चिवड़ा, मकई चिवड़ा, और हाँ सेव ममरा, पापड़ी,
मटर, अब आएगी दोस्तों मीठी बूंदी। टमटम के अंदर दोस्तों सबसे अच्छा जो स्वाद है वो आता है मीठी बूंदी का। तो ये जो मीठी बूंदी है दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही चटपटी भी लगती है और एक खट्टा मीठा स्वाद इसके अंदर मीठी बूंदी से आएगा। अब आएगी दोस्तों इसके अंदर एकदम झीणी सेव बेसन वाली। अब आएगा दोस्तों यहाँ पर कड़ी पत्ते। ये जो कड़ी पत्ते यानी कि नीम के, मीठे नीम के पत्ते होते हैं, इनको हमने फ्राई करके लिया हुआ है। इसका स्वाद हर नमकीन के अंदर बहुत ही बेहतरीन आता है। तो इस तरीके से हमारी सभी नमकीन, लगभग 21 से 22 प्रकार की नमकीन ऐड कर दी हैं। अब इसके ऊपर ऐड होगा मसाला। मसाला मैंने आपको बता दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको मसाले का पूरा विवरण लिखा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों पूरी नमकीन को हम, पूरी टमटम को मिक्स करते हैं। तो हमारी जो टमटम नमकीन दोस्तों लगभग बनकर पूरी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों टमटम के अंदर लगभग 22 प्रकार की अलग अलग नमकीनें हमने ऐड करके टमटम बनाई हैं। ये टमटम गुजरात के वडोदरा में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं और अब तो हर जगह इसे खाया जाता है और बनाया भी जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें मिलाई गई हर एक नमकीन का स्पेशल अलग से बनाया हुआ वीडियो, मेरी वीडियो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सभी नमकीन को बनाने का परफेक्ट तरीके से वीडियो बनाया गया है। तो अभी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टमटम की वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाया है और लगभग 2 से 3 दिन लग गए हमको इनकी आइटम्स के लिए, सभी आइटम को इकट्ठा करने के लिए। मार्केट में यहाँ पर मिली नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब दोस्तों इस टमटम नमकीन को हमें ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रखना है, तो हम इसे पैकिंग करके भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक डब्बा लिया है तो इसके अंदर हम डाल देंगे और लगभग इसको अच्छी तरह से अगर हम पैकिंग रखेंगे तो महीना डेढ़ महीना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें दोस्तों, आपकी वजह से हो सकता है और भी लोगों को मदद मिले। ऐसी और देश वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।